बहुपद का गुणा। आज हम इस वीडियो में बहुपदों का गुणा करना सीखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 3 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इसका हम गुणा कैसे करेंगे ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक डिजिट का गुणा इस जो ब्रैकेट में दिया है उसके साथ करेंगे, फिर दूसरे डिजिट का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम x को यहाँ पे लिखेंगे x, फिर ये ब्रैकेट में पूरा जितना है सब लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 6x। अब इस x को तो हमने यहाँ पर लिख लिया, इसके बाद इस ब्रैकेट में क्या बचा है प्लस 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 3। इसके बाद इस प्लस 3 का गुणा हम इस वाले डिजिट के साथ कर देंगे x स्क्वायर प्लस 6x। इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें एक बार करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। ये x स्क्वायर है और ये x है, मतलब ये x स्क्वायर है। x स्क्वायर को हम x इंटू x लिख सकते हैं और ये x है। इस x स्क्वायर का हमें x में मल्टीप्लाई करना है, मतलब दो बार x स्क्वायर है, एक बार और x लिख दें तो कितना हो जाएगा हमारा x क्यूब। यहाँ पे x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब। फिर हम इस x का इस 6x में करेंगे तो प्लस की जगह पे प्लस है, 6 की जगह पे 6, और x का x में जब करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब इतना हमारा हो चुका है। अब ये हमारा प्लस 3 लिख लेते हैं, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका गुणा एक बार हम इसमें करेंगे फिर एक बार इसमें करेंगे। तो जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3, और ये कितना है x स्क्वायर प्लस। अब 3 का जब 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 और ये x। अब गुणा में जो हमारे सेम घात वाले रहते हैं वो जुड़ जाते हैं, x 3, यहाँ पे कहीं भी x 3 नहीं है तो x 3 को हम ऐसे लिख लेंगे प्लस, यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ये इसकी घात सेम है इसलिए ये जोड़ जाएगा, 6 और 3 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हमारा 18x। यहाँ पे x क्यूब ऐसे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे 9 को हम 9 और x को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2 इतना बचेगा हमारा, यह हमारा आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x दूसरे ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इस एक डिजिट का पहले हम इसके साथ करेंगे, फिर माइनस 2x का फिर से इसके साथ करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम x स्क्वायर लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में ये सारी चीज़ें x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब ये x स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया, क्या बचा है माइनस 2x। बाकी ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब हम x स्क्वायर का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर का जब हम 6x में करेंगे तो 6x की पावर 3 प्लस,
एक्स स्क्वायर का जब हम थ्री में करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर, और यदि ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस टू माइनस लिख लेते हैं चिन्ह। अब टू एक्स का गुणा हम इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो हो जाएगा हमारा टू एक्स क्यूब। आगे है टू एक्स का गुणा जब हम छः एक्स में करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस बारह एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस कैसे हुआ, क्योंकि जब हमारा ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट के सभी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आगे है टू एक्स का गुणा हमें थ्री में करना है, तो हमारा हो जाएगा तीन दुना की छः, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा छः एक्स। अब यहाँ पे एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर कहीं पर नहीं है, चलो एक्स की पावर फोर ऐसे लिख लेते हैं। और एक्स की पावर थ्री यहाँ पे है, एक्स की पावर थ्री यहाँ पे है, ये प्लस में ये माइनस में, तो घट जाएगा कि जो इसकी घात ज़्यादा रहेगी उसका चिन्ह लिखेंगे। प्लस की प्लस ज़्यादा है इसलिए हम प्लस का चिन्ह लिखेंगे। सिक्स में से टू हटाएंगे तो फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लिखेंगे। यहाँ पे माइनस जो है बारह एक्स स्क्वायर ज़्यादा है इसलिए हम माइनस का चिन्ह लिखेंगे, और बारह एक्स स्क्वायर में से हम थ्री एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा नाइन एक्स स्क्वायर। अभी हमारा केवल यहाँ पे बचा माइनस सिक्स एक्स, इसे लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा।